हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज, वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दों को, लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। हरियाणा की आवाज में आज हम बात करेंगे लेट लतीफ सरकारी बाबुओं की। तो क्यों ना हम इनको ये कहें कि जागो अधिकारी जागो, क्योंकि 9 बजे तो कभी दफ्तर ये पहुंचते ही नहीं है, 10 बजे या उसके बाद, या कभी कभी उसके बाद भी नहीं। ये निकल कर आई हैं ग्राउंड से खबरें जिस पर हम बात करेंगे। आदेशों की धज्जिया क्यों उड़ा रहे हैं सरकारी अधिकारी, इस पर जुड़िए हमारे साथ। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। अपने समय पर खुलते हैं सरकारी दफ्तर, अपने समय पर, यानी कि अधिकारी जब चाहते हैं तब, जो नियम कायदे हैं उसके हिसाब से नहीं खुलते। सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं अधिकारी, 9 बजे नहीं 10 बजे खुलते हैं सरकारी दफ्तर। ज्वाइंट कमिश्नर जेई तक नदारद दिखते हैं, लोगों को काम के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। क्या करेंगे, जब ऑफिस के बाहर ताला लगा रहेगा तो कौन उनकी सुनवाई करेगा, कौन उनका काम करेगा। अब सवाल कई उठते हैं, क्या अधिकारियों को प्रशासन का डर नहीं, क्यों समय पर नहीं खुलते सरकारी दफ्तर, क्या सरकारी बाबुओं के लिए नहीं है कोई नियम कानून, क्यों अधिकारी खुद नहीं करते नियमों का पालन, क्या है आपके इलाके का हाल, बताएं हमें। फोन लाइंस खुली हुई है, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, बिना देर किए फोन कीजिए। कार्यक्रम आपका, मंच आपका, आवाज आपकी हो तो बेहतर है। नंबर्स लगातार दिखा रहे हैं, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और जरूर जुड़िए। बताइए क्या सरकारी बाबुओं के लिए कोई नियम कानून नहीं है, अगर इस तरह से नियमों की पालना आप और हम ना करें तो फिर इसे अनुशासनहीनता नहीं कहा जाएगा क्या, डिसिप्लिन में क्यों नहीं रहते ये सरकारी बाबू, क्या इन्हें किसी का कोई डर भय कुछ नहीं, नियम कायदों को ये ताक पर रखकर क्यों चल रहे हैं, अगर कभी इन पर कोई एक्शन हो जाए उसके बाद भी इनका जो रवैया व्यवहार है वो जस का तस रहता है, तो एक्शन का क्या मतलब रहा, ढाक के तीन पात। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, जरूर जुड़िए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। बीके यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, यादव जी नमस्कार। मैडम मैं राजेश दुबेकर, बोलिए सर। मैडम मेरी ये प्रार्थना है कि इन तो सरकारी एम्प्लॉयज है, इन पर सख्ती की जाए और इनको ड्यूटी के प्रति प्रतिबंधित किया जाए, जैसे हमारे देश के सैनिक हमारे लिए ड्यूटी के प्रति प्रतिबंधित है, तो सेम उसी स्थिति में ये भी प्रतिबंधित हो, उनको पता हो कि सरकार की नौकरी और जनता के प्रति इनकी जवाबदेही तय हो। बिल्कुल, मेरी हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री से यह प्रार्थना है, आपके चैनल के माध्यम से आपने इसको दिखाया, आपका धन्यवाद। बहुत शुक्रिया राजेश जी, भिवानी से आपने फोन किया, आगे भी आप फोन करते रहें। राजेश जी की तरह आप भी फोन कीजिए, क्यों समय पर नहीं खोलते सरकारी दफ्तर, क्या आप कभी सरकारी दफ्तर में गए काम करवाने के लिए और वहां पर सरकारी बाबू आपको नहीं मिले, तो हम आपकी वो स्टोरी जरूर सुनना चाहेंगे, अपनी इस कहानी को, या आपके किसी भी प्रियजन के साथ ऐसा हुआ है तो उसे आप यहां पर इस मंच के जरिए साझा जरूर करें। ये बात पहुंचनी चाहिए उन तक जिनका ये काम है कि निगहबानी रखे इन सरकारी दफ्तरों पर, निगरानी रखे, इन्हें डिसिप्लिन में रखे, इन्हें अनुशासन में रखे। आखिर ये अनुशासनहीनता नहीं तो फिर और क्या है, और क्या कार्रवाई नहीं होती इस तरह से अनुशासनहीन सरकारी बाबुओं पर, क्यों नहीं होती और क्यों नहीं होनी चाहिए, इस पर भी बोलिए। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। 9 बजे का वक्त है लेकिन 10 बजे के बाद दफ्तर खुलते हैं, कई जगहों पर ये वक्त भी बहुत पहले का मान लिया जाता है और 10 के बाद भी दफ्तर खोले जा रहे हैं। ऐसे में लोग दफ्तर के बाहर जो घंटों लाइन लगाकर खड़े रहते हैं अपने काम के लिए, उनका क्या कसूर है। वैसे ही ठंड बहुत ज्यादा है, ना भी हो तो भी ये दफ्तर अपने समय पर खुलने चाहिए, जो तय समय है उस पर खुलने चाहिए। 9 बजे नहीं खुलते, 10 बजे खुलते हैं सरकारी दफ्तर, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन जवाबदेह है, जवाबदेह लोगों पर, क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए लोगों को, घंटों अपने काम के लिए जो इंतजार करना पड़ रहा है, इस बीच उनका जो समय बर्बाद हो रहा है, खराब हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा। कई सारे सवाल है जिस पर हम बात कर सकते हैं, फोन कीजिए, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और अपनी राय हम तक पहुंचाए। क्यों नहीं खुलते हैं समय पर सरकारी दफ्तर, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या इन सरकारी बाबुओं को किसी का नाम मात्र भी डर नहीं है।
आखिर इनकी लेट लतीफी के पीछे वजह क्या है? नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइंस खुली हुई हैं, जुड़िए और अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाइए। हरियाणा की आवाज, ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए, जहां पर आप बेबाकी के साथ अपनी राय रख सकते हैं। हरियाणा की आवाज में दीजिए अपनी राय, ऐसी कोई स्टोरी। जुनैद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब बोलिए, जुनैद सिंह जी बोलिए। मैं प्रशासन के ऊपर किसी तरह का कोई असर नहीं है। मैं मानता हूं कि प्रशासन जो है वो उसके ऊपर जो है सरकार होती है। सरकार जो है ना, अगर चिंतित सरकार में इच्छा शक्ति होगी और विकास कार्य करवाने के लिए अगर उसकी सोच होगी तो जरूरी बात है नीचे जो प्रशासन है उसको जो है ना सख्ती से पेश आएगी। अभी कहीं कहीं एक आध छापा मार देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे विचार से हर जिले में एक विकास समिति होनी चाहिए और जो अपने डॉक्टर हैं, ऑफिसर हैं, उनकी बिल्कुल हर तरह से सीआईडी करके या जैसे भी है गवर्नमेंट को रिपोर्ट करनी चाहिए और वो रिपोर्ट जो है संबंधित विभाग में जानी चाहिए, ताकि वो जो है ना वो उनको पता लग सके कि भाई किसी पर्टिकुलर जिले के अंदर क्या कुछ हो रहा है, ठीक चल रहा है या गलत चल रहा है, लोगों की सुनवाई हो रही है नहीं हो रही है। पिछले 5 साल में मैंने 5 लेटर लिखे थे रिगार्डिंग ये सब कार्य, लेकिन उनमें से एक भी काम नहीं हुआ और वो मैंने सीएम विंडो में डाल दिए थे जिसके रसीदे मेरे पास हैं, लेकिन बार बार मैं फोन करने के पश्चात भी जो है ना कोई कार्य नहीं हुआ। अब जरा देखिए, हम डॉक्टर में जाते हैं तो डीसी साहब भी नहीं होंगे तो पता करेंगे, आज वो टूटते हैं या वो कहेंगे भी छुट्टी दे हैं, तो इस तरह से काफी परेशानी होती है। ऐसे ही पटवारी हैं, कहीं कहीं फील्ड में गए हुए हैं ये वो, कभी अभी साहब आएंगे भाई 10 बज गए हैं नहीं आने वाले हैं ये वो, तो जब तक दंडा नहीं होगा, जब तक इनके रिपोर्ट मंथली या फोर्टनेटली रिपोर्ट कामों की नहीं मांगी जाएगी, सख्ती से पेश नहीं होंगे, एक्शन सरकार द्वारा नहीं लिया जाएगा, तो ये मिनिमम प्रोग्राम बना लो कुछ भी बना लो, इससे कोई फायदा नहीं होता। कागज जो काले करने के सरकार को एकदम भाग करना होगा, मंत्री को एमएलए को, और एक जिम्मेवारी के साथ जो है जनता के कार्यों में रुचि लेनी पड़ेगी, नहीं तो। चलो बहुत शुक्रिया जुनैद सिंह की तरह आप भी फोन करें, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े। जसवंत सिंह जुड़ गए हैं, झज्जर से फोन किया उन्होंने। सिंह साहब बोलिए। जसवंत सिंह जी, चलिए संपर्क टूट गया, दोबारा जरूर फोन कीजिए। सर आप सबों को सुनना ही इस मंच की सार्थकता है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करें और अपनी राय रखें सरकारी बाबुओं की लेट लतीफी को लेकर। बीके यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादव जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम का जी। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकारी जो बाबुओं की जो लेट लतीफी है ये कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी है। जब चौधरी बंसीलाल सीएम हुआ करते थे उस दौर में जो कर्मचारी थे किसी भी डिपार्टमेंट के हों, वो जैसे सियाचिन ग्लेशियर में मनुष्य कांपते हैं ना, वैसे ही कर्मचारी कांपते थे। वो इसीलिए नहीं कांपते थे, वो उनका एक ऐसा अफेक्ट था, उनका प्रभाव था कि कर्मचारियों से काम लेना आता था। जब सैलरी ले रहे हैं ये 70,000 रुपए किसी भी डिपार्टमेंट के हों, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर माना टीचर है, 70,000 रुपए सैलरी ले रहा है और उसका वो फीडबैक 70 रुपए का भी नहीं दे रहा जनता को, तो फिर कहीं कहीं प्रशासन और दिल्ली और जो चंडीगढ़ वाले नेता हैं इनकी मिली भगत होती है। और मैं ये कहना चाहूंगा जब विकसित देशों में आप उदाहरण उसमें आंकड़े उठाकर देखिए, एक जवाबदेही तय होती है। गरीब आदमी इन कर्मचारियों के पास जाता ना, या तो ये सरकारी दफ्तरों में मिलते नहीं, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा लेवल का अधिकारी हो, मिल भी जाते हैं तो मोस्टली इनका बिहेव उस गरीब जनता के साथ अच्छा नहीं होता। अब वो गरीब जनता जाए कहाँ से, क्या करे? एक दिहाड़ीदार मजदूर आदमी 400-500 रुपए की दिहाड़ी छोड़ करके गांव में
और फिर वो अपने काम के लिए एक एक हफ्ता भटकता है, एक हफ्ते में उसका जो बच्चों का पालन पोषण जीविका के सारे जो चल रहा है, एक 10 मिनट के काम के लिए 15-15 दिन। अब नंदगांव की मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक विडो, उसने बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए अपील किया था, सीएम विंडो में लगाया, उसके सास ससुर भी समय से पहले चले गए, उसके हस्बैंड भी चला गया, उसका जो देवर था वो भी एक्सपायर हो गया किसी बीमारी कारण, न तो उनके पास आयुष्मान कार्ड है, न बीपीएल है, न नौकरी का साधन है, तो वो महिलाएं अब वो अकेली पहले ही जीवित के समान हो चुकी है, और जाए तो जाए कहाँ। तो बड़े शर्म की बात है, एक दुर्भाग्य है ये हमारे देश का। बड़ी बड़ी योजनाएं दिल्ली और चंडीगढ़ से लागू हो जाती है, लेकिन गरीब आदमी के पास वो योजना नहीं लागू हो पाती। अब इन्होंने लागू योजना कर दी, इनके पास फीडबैक होना चाहिए, अधिकारियों की ड्यूटी लगानी चाहिए इनका, और जवाबदेही तय होनी चाहिए कि ये चंडीगढ़ और दिल्ली से योजना जनता के लिए लागू की है, इसको एक हफ्ते के अंदर उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब जनता अपने आवास के लिए अप्लाई करते रहते हैं, पात्र व्यक्ति को मकान के पैसे नहीं मिलते, तो गरीब है वाकई में, और एक पंचायत जो होती है वो अमीर आदमी को पैसे दिला देती है, सरपंच वगैरह मिली भगत होती है ऊपर से नीचे तक, तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और एक इनको टोल फ्री नंबर इनको हरियाणा गवर्नमेंट पे लागू करना चाहिए, जो आम जनता है उसके ऊपर कॉल करे, उसको फीडबैक नहीं मिलता है मान लो, तो 24 घंटे के अंदर उस कर्मचारी के ऊपर एक्शन होना चाहिए। अब गरीब जनता कितनी तड़फेगी, राम राज्य का क्या मतलब होता है, पहले तो राजा होते थे, अगर गरीब जनता दुख तकलीफ में होती थी तो वो खाना कर छोड़ते थे वो राजा, और आजकल के जो 90% जो राजा है वो 5-star होटलों में खाना खाते हैं, जनता से कोई लेना देना नहीं होता, इलेक्शन से पहले तो बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, हम आपके लिए ये करेंगे, सुशासन लाएंगे, वो करेंगे, लेकिन लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलती है जनता को भूल जाती, इतना प्राउड हो जाता है, इनका ईगो हो जाता है, बड़े शर्म की बात है। तब देवलाल जी को आज भी लोग याद करते हैं, क्यों करते हैं, गरीब जनता के वो बीच में रहते थे। गुग्गा मेडी के मेला में हमने बुजुर्गों से सुना है, गुग्गा मेडी का मेला में सुबह से शाम तक पैदल पब्लिक के बीच में रहते थे, कितनी महानता थी, कितनी दयालुता थी उन महापुरुष में, तो आज भी उनको याद करते हैं, तो ऐसे इनको सबक लेना चाहिए। डिप्टी सीएम साहब से मेरा अनुरोध है, पब्लिक का आंकड़ा उठाइए, कौन गरीब है, कितनी जनता है, उनको अपनी योजना का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा, ये युवा है और युवा के तहत इसको उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ताकि गरीब आदमी की पास योजना, अब गरीब महिलाएं हैं, ये विडो की जो पेंशन है वो 2000 रुपये लगभग है, वो उसको 2000 रुपये में क्या होगा, उसका सरकारी नौकरी नहीं दे रही, उनके प्रावधान होना चाहिए, महिला है उसको एक सरकारी नौकरी का, या फिर उसकी पेंशन कम से कम 10000 रुपये हो, वो अपने बच्चों का महंगाई में पालन पोषण कर सके। अब वो बेचारी पहले ही टूट चुकी होती है पति जाने के बाद, और फिर उसका कोई सुनने वाला नहीं इस परिवार में, और गरीब का तो कोई है ही नहीं, देख रहा कोई इतना सीरियस होना चाहिए, अभी अपनी जो जनता है उसका पूरा उसका प्रति इतना वफादार होना चाहिए, बहुत वफादार है, लेकिन आजकल के नेता या तो विदेशों में रहते हैं या 5-star होटलों में अपने पार्टियां मनाते हैं, गरीब जनता इतनी महंगाई में कैसे घर चला रही उनको नहीं। मिट्टू सिंह जी रखिए अपनी बात, चलिए संपर्क टूट गया तो इनकी तरह जुड़ने का सिलसिला शुरू रखिए। रेड़ा की आवाज में राय दीजिए, आखिर लेट लतीफ क्यों है, सरकारी बाबू समय पर सरकारी दफ्तरों को क्यों नहीं खोला जाता, ये अपनी कुर्सियों पर क्यों नहीं मौजूद रहते, इन सवालों के साथ लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर लौटे हरियाणा की आवाज में आप सबों को सुनने के लिए। तो जैसे ब्रेक के पहले फोन कर रहे थे, फोन करने का सिलसिला बिल्कुल मत रुकने दीजिए, फोन कीजिए और बताएं आपके इलाके में सरकारी बाबू समय पर दफ्तर पहुंचते हैं क्या, या वहां पर भी लेट लतीफी का आलम बरकरार है क्यों, और इससे क्या परेशानियां पेश आ रही है वो भी आप हमारे साथ साझा करें और जरूर करें। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए और अपनी राय हम तक पहुंचाएं। हमारे साथ राम सचदेवा जुड़ गए, राम जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार जी, बोले सर।
मैं ये कह रहा हूँ, कल बिजली का बिल बनने गया था, वहाँ विंडो पे कोई भी नहीं था, जबकि सरकारी ड्यूटी होती है, सरकारी वो होती है, अगर बिजली का बिल भरे ना भरे तो जुर्माना पड़ जाता है। ये देखो कैसे अधिकारी कैसे वो करेंगे। अगर हर चीज की कोई गुंजाइश होनी चाहिए, कोई होनी चाहिए, जब गवर्नमेंट कानून तो बना वहाँ जो वो भी तो बिल लेते हैं, जो बिजली का बिल भरते हैं सब कुछ है। अगर कहने का मतलब ये है कि अगर बिजली का बिल ना भरो तो जुर्माना पड़ जाता है, आदमी क्या करे? अगर अधिकारी नहीं मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे, तो फिर कैसे बिजली का बिल भरेंगे? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया राम सचदेवा की तरह आप भी फोन करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। आप कभी गए किसी दफ्तर में और वहां पर आपको परेशानियां पेश आई, चूंकि सरकारी बाबू ही वहां पर नहीं थे, कोई सुनने वाला नहीं था, आपका काम नहीं बना, तो आप फोन कीजिए। आपके इलाके में सरकारी सेवाओं के लिए सरकारी दफ्तरों के किस तरह के हालात हैं, वहां सरकारी बाबू समय पर पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, बताएं, आप बेहतर बता पाएंगे अपने इलाके का हाल हमें। आदेशों के धज्जियां उड़ाते हुए सरकारी बाबू वहां पर भी मौजूद हैं क्या, जो लेट लतीफ है, जो बहुत देरी से पहुंचते हैं दफ्तर में, अपने समय पर ही सरकारी दफ्तर खुलते हैं आपके इलाके में, जो सरकारी बाबुओं ने निर्धारित कर रखे हैं या जो नियम कायदे के हिसाब से 9 बजे खुल जाने चाहिए, उस वक्त आपके यहाँ सरकारी दफ्तर खुल जाते हैं? चूंकि लगातार सरकारी बाबुओं के लेट लतीफी और उनका अनुशासनहीनता उनकी तरफ से जो की जा रही है वो दिख रहा है, इसलिए सवाल पूछना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। लेकर हाजिर हो गए ये सवाल आपके इस मंच पर, जिस पर आपका बोलना बेहद ज्यादा जरूरी है, यही इस मंच की सार्थकता है। जरूर जुड़िए, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और अपनी राय अपनी बात को हम तक पहुंचाए। कोई स्टोरी जो आपके साथ या आपके प्रियजनों के साथ हुई हो, जब वो पहुंचे हो सरकारी दफ्तर में काम कराने के लिए और वहां कुछ अजीब सी घटना कि सरकारी बाबू नहीं मिले या काम नहीं बना, तो जरूर पहुंचाए हम तक। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने किसी सरकारी काम के लिए दफ्तर गए थे लेकिन वहां पर बाहर ताला लटका हुआ मिला, जरूर अपनी बात को लेकर जुड़िए हमारे साथ। हरियाणा की आवाज में दीजिए अपनी राय, नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे सरकारी अधिकारी, अपने समय पर नहीं खुलते हैं सरकारी दफ्तर, सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे अधिकारी, 9 बजे नहीं 10 बजे खुलते सरकारी दफ्तर, ज्वाइंट कमिश्नर जेई तक नदारद रहते हैं, लोगों को काम के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है और कई बार तो घंटों इंतजार करने के बाद भी काम नहीं बनता, बैरंग ही लौटना पड़ता है। क्या अधिकारियों को नहीं है प्रशासन का डर? क्यों समय पर नहीं खुलते सरकारी दफ्तर? क्या सरकारी बाबुओं के लिए नहीं है कोई नियम कानून या नियम कायदे से इनका ही कुछ लेना देना नहीं है? क्यों अधिकारी खुद नहीं करते नियमों की पालना? जब खुद ही पालन नहीं करेंगे तो दूसरों से कैसे करवाएंगे? क्या है आपके इलाके का हाल बताएं हमें। अजीत जुड़ गए हैं भिवानी से। अजीत जी बोलिए। हेलो, बोलिए सर। अजीत जी आपसे बात कर रही हूँ मैं, बोलिए सर। चलिए संपर्क टूट गया, तो आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे सरकारी अधिकारी, अपने समय पर खुलते हैं सरकारी दफ्तर, जो निर्धारित समय है तब नहीं खोलते ये सरकारी बाबू, जब मन करता है, जब खुद को आराम महसूस होता है, जो आरामदेह समय है उनके लिए उसमें खोलते हैं। तो ये अनुशासनहीनता नहीं तो और क्या है, और इस अनुशासनहीनता पर क्या एक्शन लिया जाता है, इस अपडेट के साथ लौटेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।